और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां के पश्चिम बिहार इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए फिलहाल दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। ये आग सुबह 9:30 बजे लगी है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है। पश्चिम बिहार वो इलाका जहां पर ये फैक्ट्री मौजूद है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, और दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। भीषण आग लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि आग सुबह 9:30 बजे लगी, जिसके बाद जो दमकल विभाग है उनको जानकारी दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी 12 गाड़ियां मौके पर भेजी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि फायर फाइटर्स की जो टीम है वो मौके पर होगी ही जब इस तरह की घटना होती है, और खासकर जब 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं तो ऐसे में एम्बुलेंस सहित उन तमाम चीज़ों को भेजा जाता है कि कोई भी बड़ी घटना ना हो। दिल्ली की ये दो तस्वीरें आप देखिए कि दिल्ली में किस तरह से पहले भीषण आग लगी पश्चिम बिहार इलाके में, उसके बाद धू धू कर प्लास्टिक फैक्ट्री थी वो जलने लगी। और आप जानते हैं कि जब आग फैलती है, खासकर जो प्लास्टिक का इलाका हो, तो कैसे देखते ही ये आग लंबी होते गई और धुएं का गुबार भी आप देख सकते हैं। ऐसे में जो फायर फाइटर्स की टीम वहाँ मौजूद हैं उनके लिए इस वक्त रेस्क्यू करना और इस आग पर काबू पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि एक तरफ आपको आग पर काबू पाना है, दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति अंदर फंसा है तो उसको भी निकालना है। और इस तरह की घटना में हम देखते हैं जब भी आग जनी होती है तो अधिकतर दम घुटने की वजह से जो लोग हैं उनकी मौत हो जाती है। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नीरज गौड़ के पास। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर है, ये आग कितनी बड़ी है? देखिए, जो जानकारी हम दी है उसके मुताबिक ये है कि जो कि पश्चिम बिहार का इलाका है, वहाँ पर उद्योग नगर है, वहाँ पर ये आग लगी है जो कि प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जा रही है। और आग ने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री की चपेट में ले लिया है और उसके बाद से बहुत ज्यादा भीषण आग है और किलोमीटर से इसका जो धुआं है वो ऊपर आकाश में देखा जा रहा है। तमाम लोगों ने वीडियोज भी बनाए हैं और इसी के साथ में ये भी जानकारी कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त इस फैक्ट्री में कई लोग मौजूद थे और उन्होंने आनंद फानन में वो सब लोग बाहर की तरफ निकले हैं। फिलहाल जो आग ने पूरी तरीके से विकराल रूप जो कि ले रखा है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश फायर डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार की जा रही है। जो लोकल पुलिस है वो भी मौके पर है और इसी के साथ कोशिश है कि जल्द से जल्द जो आग है उसको कंट्रोल किया जाए और जो साथ में और जो फैक्ट्रियां हैं, गोदाम है, वहां पर ये आग ना फैले, ये भी कोशिश जो कि लगातार की जा रही है। और इसी के साथ में आसपास का जितना भी एरिया है वहां पर पूरा जो कि धुएं का गुबार है वो फैल गया है और इसी के साथ में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट में साथ में जितनी फैक्ट्री है उन सबको खाली करवा लिया गया है ताकि अगर साथ वाली फैक्ट्री में आग लगती है वहां पर लोग काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और लगातार हम देख रहे हैं कि धुएं की गुबार आप किस तरह से देख रहे हैं और भीषण आग है, कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की।